कवि दुष्यंत कुमार हिंदी कवि, कथाकार और गजलकार थे। दुष्यंत कुमार त्यागी यह उनका पूरा नाम, लेकिन पहचाने जाते हैं दुष्यंत कुमार नाम से ही। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में बीए और एमए किया। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कथाकार कमलेश्वर और मार्कंडेय तथा कवि मित्र धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण शाही आदि के संपर्क से दुष्यंत कुमार के साहित्यिक अभिरुचि को एक नया आयाम मिला। मुरादाबाद से बीएड करने के बाद 1958 में आकाशवाणी दिल्ली में उन्होंने सेवा दी। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में कार्यरत रहे। आपातकाल में उनका कविमन क्षुब्ध और आक्रोशित हो उठा, जिसकी अभिव्यक्ति कुछ कालजयी गजलों के रूप में हुई। उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है साये में धूप। यह 52 गजलों की लघु पुस्तिका को युवा मन का गीत कहा जाता है। दुष्यंत कुमार को मात्र 44 वर्ष की अल्पायु मिली। 30 दिसंबर 1975 की रात्रि में हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे प्रतिभा संपन्न, समाज मन को टटोलने वाले और वास्तविकता का दर्शन कराने वाले कवि दुष्यंत कुमार की यह एक प्रसिद्ध कविता। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।